दोस्तों यूट्यूब पर यूट्यूबर बनिए, कचरा यूट्यूबर मत बनिए। दोस्तों अभी भी यूट्यूब पर न जाने से कितने लोग हैं जो कि जाने अनजाने में अपने चैनल पर काम किए जा रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पर किस तरीके से काम करना है। दोस्तों यूट्यूब पर यूट्यूबर बनिए, कचरा यूट्यूबर मत बनिए। दोस्तों अभी भी यूट्यूब पर न जाने से कितने लोग हैं जो कि जाने अनजाने में अपने चैनल पर काम किए जा रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पर किस तरीके से काम करना है। यही कारण है कि कई सौ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट जीरो निकलता है। अब आप इन भाई साहब को ही ले लीजिए, ये पिछले एक साल से अपने चैनल पर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने चैनल पर पिछले एक साल में 480 वीडियो अपलोड कर दिए, लेकिन 480 वीडियो के नाम पर इन्होंने अपने चैनल पर केवल कचरा ही अपलोड किया। इन भाई साहब को पता ही नहीं था कि यूट्यूब पर किस तरीके से काम करना है, यूट्यूब पर किस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे यूट्यूब वीडियो को मोनेटाइज करता है, कैसे वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता। इन भाई साहब को पता ही नहीं है। बिना पते के केवल जोश से काम किए जा रहे हैं, पैसे के लालच में किए जा रहे हैं। रिजल्ट ये होता है कि एक साल इनको चैनल पर हो चुका है काम करते हुए, 480 वीडियो इन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, लेकिन अंततः ना इनका चैनल मोनेटाइज हुआ और ना ही इनके चैनल से इन्होंने एक रुपया कमाया। अंततः इनका एक साल बर्बाद हो गया। तो दोस्तों इन्होंने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि सर मेरे चैनल पर एक है सब्सक्राइबर, 4 घंटे को वॉच टाइम पूरा हो गया है। मैंने परसों के दिन ही अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के पास मोनेटाइजेशन के लिए भेजा और सर 2 दिन में ही मेरे पास मैसेज आ गया और मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब ने मोनेटाइज नहीं किया। इस प्रकार मेरी एक साल की मेहनत है वो बर्बाद हो गई, 480 वीडियोस हैं वो बर्बाद हो गए। प्लीज मेरी मदद करिए। अब मैं आपकी मदद करता हूं, इनकी भी मैंने मदद की, इनसे मैंने टेलीग्राम पर बात की, वीडियो कॉलिंग पर बात की। यार दुख होता है इस प्रकार के यूट्यूबर से मिलकर। 480 वीडियोस यार केवल जोश जोश में इन्होंने अपलोड कर दिए, लेकिन ऐसे वीडियोस थे जो कि यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होते। दोस्तों दुख होता है यार कि आके इस प्रकार की गलती ये कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इनसे वीडियो कॉलिंग पर बात की थी, आज की इस वीडियो में वो सेम टू सेम वीडियो कॉलिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी अपने चैनल पर इस प्रकार की गलती करें तो इसको सुधारिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत में मैं आपको एक सजेशन दूंगा। उसमें पता नहीं सर क्या कैसा हुआ, पूरा रिकंटिन्यूज दे ही दिया, पता नहीं, समझ नहीं आया सर उसका मेरे को। अच्छा तो आप क्या कई यूट्यूबर को मैं देखा कि कैसे कैसे करते हैं, जैसे मैं आपका भी देखा रहा और 2-3 मतलब यूट्यूबर का भी देखा, मतलब चैनल का। उन्होंने बताया कि जैसे जो वीडियो बनाया हो जैसे लॉन्ग वीडियो को डिलीट कर दो और अब अबाउट सेक्शन में अपना लिंक डाल दो, जैसे ओरिजिनल लिंक डालना, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक का लिंक डाला मैं, और जो शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में भी अपना डिस्क्रिप्शन सब चेंज कर दिया सर। अब पता नहीं तब भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा सर क्या करूंगा। आप ये बताइए कि आपने ये जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है शॉर्ट्स चैनल पर 10 मिलियन का होता है, 10 मिलियन व्यूज का, आपने पूरा कर लिया ये क्राइटेरिया? ये सर हो गया, कंप्लीट हो गया सर। अच्छा तो आपके चैनल पर रिप्रेजेंट टाइम टोटल कितने व्यूज जा रहे हैं सर? ये पर डे का अभी एक हफ्ते से 7 लाख 8 लाख आ रहा था, व्यूज आ रहा था, 48 घंटे में आ रहा था, फिर अभी डाउन हो गया, अभी 2 लाख आ रहा है सर। अभी 2 लाख आ रहा है तो जी मोनेटाइजेशन रिजेक्शन के बाद में शायद आपके चैनल पर थोड़े से व्यूअरशिप गिर गई है ना? यस सर। आपको क्या लगता है कि आपका जो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने भी तो लगभग 7-8 महीने से काम किया, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से सर लॉन्ग वीडियो डाला था मैं, उसमें सर कई यूट्यूबरों का जो क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाते थे उनका सर मैं वॉइस ओवर डाउनलोड करके सर उसी से अकॉर्डिंग में बनाता, उसी जैसे उन्हीं के जैसे बनाता सर, उसी वजह से मेरे हिसाब से शायद ये हुआ सर। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बताइए कि मैंने अभी 7-8 दिन पहले टेक धमाल पर वीडियो अपलोड किया था, वो आपने देखा टेक धमाल की? आप कितने वीडियो देखते हैं आप? डेली देखता हूँ मैं सर, जैसे मेरी स्क्रीन पर तुरंत मैं देखता हूँ सर। आप डेली वीडियो देखते ही नहीं है टेक धमाल की? आपने 2-4 वीडियो देखे होंगे शायद टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो आपके चैनल की जो कंडीशंस हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि टेक धमाल पर आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते, रेगुलर आप वॉचर नहीं है टेक धमाल के, और आपने जाने अनजाने में इस प्रकार की गलती की है। आप क्या करते हैं, मैं बुरा मत माना, देखिए सच सच जो बात है वो मेरी कहने की आदत है, मैं आपको सच सच बात बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि आप जैसे न जाने कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने भी लगभग 8 महीना अपना बर्बाद कर दिया केवल इस वजह से क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है? आप जैसे बिल्कुल नए यूट्यूबर्स हैं, आते हैं यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और चैनल बनाने के बाद मल्टीपल यूट्यूबर्स के वो वीडियो देखते हैं,
ठीक है, मल्टीपल यूट्यूबर्स के वीडियो देखने की वजह से ज्यादातर यूट्यूबर्स बनते बनते रह जाते हैं और उनका चैनल अब वो खत्म हो जाता है या फिर गलत डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपका जो चैनल है वो यूट्यूब ने रिजेक्ट क्यों किया था। ना ही आपके चैनल पर कोई वॉइस ओवर की प्रॉब्लम है, ना ही आपके चैनल पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप टैग धमाल के वीडियो नहीं देखते। क्योंकि हम जो टैग धमाल पर जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसमें एक एक चीज प्रूफ के साथ बताते हैं और क्या आपको काम करना क्या नहीं करना, ये दोनों तरीका बताते हैं। मैंने आज से 8 या 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपने चैनल पर हमें काम करना है। क्रिकेट की वीडियो यदि डालना है आपके चैनल पर किस तरीके से डालना है, मैंने ये भी बताया था उसमें क्या नहीं करना है आपको क्रिकेट चैनल पर, और आपने जो नहीं करना है ना वो भर भर के किया है। मैंने पहले किया, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मैं रिसेंटली वीडियो आपका देख पा रहा हूँ। आपका जो चैनल का नाम है वो ट्रैफिक फैक्ट्स आपके चैनल का नाम है, ठीक है, और ट्रैफिक फैक्ट्स आपके चैनल का नाम है। मैं रिसेंटली वीडियो देख पा रहा हूँ, आपने अभी डाला था जिस पर लगभग 1800 व्यूज आए। आपने एक फोटो लगाया, फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ है क्रिकेट के बारे में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है शायद जो दिशा प्रेगनेंसी सारा टेलर ने पार्टनर, ऐसा कुछ आपने लिखा हुआ है, पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं स्क्रीन पर ये आपका जो पूरा पूरा वीडियो है वो बता दिखा दूंगा, ठीक है। आप जो वीडियो बनाते हैं ना, वो आपका वीडियो बनाने का फॉर्मेट ही गलत है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आप किस तरीके से, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे जब हम इस वीडियो को अपने चैनल पर डालेंगे। आप क्या करते हैं, किसी एक क्रिकेटर का एक फोटो लेते हैं, उसका फोटो लगाते हैं और उसके नीचे पूरा टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपका फॉर्मेट वीडियो बनाने का, और मैं आपको बता दूं इस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो काफी आपके चैनल पर चला भी है। 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1.2 मिलियन इस प्रकार के मोस्ट पॉपुलर जो व्यूज भी आए हैं। मैं आपको बता दूं ये जो आपको एप्रिसिएशन मिला है ना, आपको जो प्रोत्साहन मिला अपने चैनल के माध्यम से, वो गलत प्रोत्साहन मिला है। क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियोस होते हैं वो यूट्यूब पर सक्सेस ही नहीं है, यूट्यूब पर मोनेटाइज होते ही नहीं है। और मैंने आपको बताया था, आप क्योंकि रेगुलर वीडियो नहीं देखते, यही कारण है कि आपकी जो महीनों की जो मेहनत है वो बर्बादी के कगार पर है। आपने जितने भी जो 480 वीडियो जो अपलोड किए हैं, अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं, लेकिन यूट्यूब की नज़र से सारे के सारे कचरा वीडियो हैं। पता है क्या है, कचड़ा वीडियो है। क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं और आपके माध्यम से नए यूट्यूबर्स को स्पष्ट बता दूं, यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि जो भी यूट्यूबर्स अपने चैनल पर काम करता है उसको दो तरीके के वीडियो डालने पड़ेंगे। पहला फेस कैम वीडियो डालना पड़ेगा, दूसरा वॉइस ओवर वीडियो डालना पड़ेगा। यदि आप फेस कैम जैसे मेरे जैसा वीडियो बनाते जिसमें मैं खुद आकर आपको एक्सप्लेन करता हूं, एजुकेट करता हूं क्रिकेट जो यूट्यूब चैनल्स है उसके बारे में, एक एक बात पूरी प्रूफ के साथ बताता हूं, तो मेरे जैसा फेस कैम वीडियो डाल सकते हैं। यदि मेरे जैसा नहीं डालना है तो क्रिकेट के यूट्यूब पर जितने भी वॉइस ओवर चैनल्स हैं उनके जैसा वॉइस ओवर कर सकते हैं। लेकिन आपने ना ही अपने वीडियोस के अंदर फेस कम वीडियो डाला और ना ही आपने वॉइस ओवर किया है, आपने किया मेहनत तो किया ही नहीं है, केवल फोटो डाला और टेक्स्ट लिखा और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया और अपलोड कर दिया। तो भाई इस प्रकार के यूट्यूबर्स को यूट्यूब ना ही सपोर्ट करता, ना इस प्रकार के यूट्यूब चैनल को वो मोनेटाइज करता। उसकी क्लियर पॉलिसी है, आपके चैनल पर रियूज कंटेंट क्यों आया पता है आपको, क्योंकि आपने गलत तरीके से काम किया है। रियूज कंटेंट इसलिए आया क्योंकि आपने जो फोटो यूज किया उसके नीचे की साइड में केवल आपने बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया, आपने खुद से तो मेहनत की ही नहीं है, केवल 5 मिनट की आपने एडिटिंग की मेहनत की है, उसके अलावा आपने क्या किया है, समझ रहे हो। यूट्यूब जितना दिमाग लगाता, आप जितना दिमाग लगाते हो ना, यूट्यूब उससे कई गुना ज्यादा ऑलरेडी दिमाग लगाकर रख चुका है। आपकी जो 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज आए हैं ना, पूरे के पूरे कचड़ा वीडियो है इस प्रकार। ये तो शुक्र मनाइए कि आपका जो चैनल है वो डिलीट नहीं किया यूट्यूब ने, जबकि अभी पिछले महीने में हमारे पास तो इस प्रकार के काफी सारे जो यूट्यूबर्स वो मैसेज करते रहते हैं, इस प्रकार के जो यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब ने खुद से कई डिलीट किए, हजारों यूट्यूब चैनल ऐसे डिलीट किए। सोचिए आपका केवल मोनेटाइजेशन वही रिजेक्ट किया है। यदि यूट्यूब का किसी अच्छे यदि एम्प्लॉइज की नजर पड़ जाती ना, किसी अच्छी व्यक्ति की यदि पड़ जाती तो आपके चैनल को वापिस ही नहीं करते, डिलीट और कर देते, समझ रहे हो। यूट्यूब क्लियर बोलता है जब भी आप अपने चैनल पर काम करते हो तो दो तरीके से आपको वीडियो डालना है, बिना मेहनत के यूट्यूब पर पैसा नहीं है, बिना मेहनत के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसा नहीं है। ये केवल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप सही यूट्यूबर्स के वीडियो नहीं देखते, आप टैग धमाल पर वीडियो नहीं देखते, एक आध वीडियो सामने आया उसको आपने देख लिया, रेगुलर आप वॉच नहीं करते, यही कारण है कि आप इतनी बिग मिस्टेक ब्लंडर मिस्टेक अपने चैनल पर कम कर रहे हो, और आप लगातार 8 महीने से किए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम करना है।
बात समझ रहे, कड़वी मेरी बात है लेकिन राइट बात है। मैं यूट्यूब जितने भी हमारे जो टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर यूट्यूबर्स वीडियो देखते हैं, मैं क्लियर कट के साथ बोलता हूँ, हमारे चैनल पर आप आइए, आपको टाइम लगेगा लेकिन सच्चा और अच्छा यूट्यूबर बन के आप यहाँ से जाओगे। आपका केवल रीजन ये है कि आपने मल्टीपल यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, टैग धमाल के भी देखे, हो सकता है आपने और भी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे, तो मल्टीपल यूट्यूबर्स के चक्कर में आप भी कंफ्यूज हो गए कि हमें अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से काम करना है। और जब तक आप काम करना नहीं सीखोगे ना, तब तक इसी प्रकार की ब्लेंडर मिस्टेक आप अपने चैनल पर करते रहोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ब्लेंडर मिस्टेक की वजह से ना केवल समय बर्बाद करोगे बल्कि आप वैल्यूएबल लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो। बताइए, एक साल आपने खराब कर दिया इस प्रकार की ब्लेंडर मिस्टेक, और आपको पता ही नहीं कि जो आप वीडियो डाल रहे हो वो YouTube पर अलाउ ही नहीं है इस प्रकार की वीडियो। बात समझ रहे हो? यस सर, समझ रहा हूं सर। तो आप सर, अब आगे मैं करूं क्या सर? इस प्रकार के जो वीडियोस है ना, जितने भी जो आप ये जो डाल रहे हो, इस प्रकार के वीडियो पहले तो डालना बंद करो, ठीक है? आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है। यदि आपको यूट्यूब पर सक्सेस होना है, अपनी कैटेगरी में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इस प्रकार का जो कंटेंट है वो डालना बंद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी आपको वीडियो डिलीट नहीं करना। यदि आप अभी वीडियो एक साथ काफी सारे वीडियो डिलीट करोगे ना, तो आपका चैनल है वो फ्रीज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको इस प्रकार की जो एक डेंजर जोन से निकलना है, ठीक है? क्योंकि जरूरत से आपने अपने चैनल पर गलत वीडियो अपलोड किया, लगभग 480 वीडियो अपलोड किया, 480 वीडियो कम नहीं होते हैं, और इकट्ठा आप 200-300 वीडियो डिलीट करोगे, सारे के सारे वीडियो कचड़ा है आपके चैनल पर। मैं सच बता दूं, आपको पूरे के पूरे वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे, प्राइवेट करने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन आपको अभी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अभी आपको यदि वॉइस ओवर आप बेहतर कर सकते हैं तो वॉइस ओवर वाला क्रिकेट की वीडियो बनाना है, और यदि आप फेस कैम कर सकते हैं तो फेस कैम वाला बनाना है। समझ रहे? लॉन्ग वीडियो डाल सकता हूँ, लॉन्ग वीडियो डाल सकते हो, लेकिन आपके चैनल पर लॉन्ग वीडियो चलेंगे नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके चैनल पर ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस की जो एल्गोरिथम है वो एक्टिव हो चुकी है। आपके चैनल पर मेजरली शॉर्ट वीडियोस है वो काफी ज्यादा वायरल है, 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज है आपके शॉर्ट वीडियोस पर, ठीक है? तो आपके चैनल पर जो एल्गोरिथम काम कर रही है वो शॉर्ट वीडियोस की कर रही है। तो कोशिश करिए आप क्रिकेट के जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वॉइस ओवर यदि आप करें तो बेहतर रहेगा। आप पिक्स यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो जो सॉन्ग्स है वो भी डाल सकते, लेकिन अपने खुद की वॉइस ओवर के साथ में। जैसे कि जो काफी सारे जो क्रिकेट के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि लॉन्ग वीडियो डालते हैं, वो वॉइस ओवर ही करते हैं, और वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन वॉइस ओवर तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? और आपको स्टार्टिंग में अभी जो वीडियो वो डिलीट नहीं करना है, नहीं तो आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से जाने अनजाने में इस प्रकार के नए यूट्यूबर्स अपने चैनल पर गलती कर लेते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। उनको जब एहसास होता है तब वो काफी सारा समय अपना वेस्ट कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी गलती से आपको भी एक सुधार अपने चैनल पर लाना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक यूट्यूबर का वीडियोस देखिए। यदि जिस प्रकार इन्होंने गलती की, मल्टीपल यूट्यूबर्स के वीडियो देख देखकर अपने चैनल पर और एक साल का समय बर्बाद किया, वैसे मैं नहीं चाहता कि आप करें। इसलिए दोस्तों, एक यूट्यूबर का आपको वीडियो देखना है। जब तक एक यूट्यूबर का आप वीडियो नहीं देखोगे, तब तक दोस्तों आपकी भी हालत इसी प्रकार रहेगी। आपको पता ही नहीं होगा कि हमें YouTube पर किस तरीके से काम करना है। आप ये जान ही नहीं पाओगे कि YouTube पर किस तरीके से वीडियो वायरल किए जाते, किस तरीके से YouTube पर पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों, मल्टीपल चीजों को छोड़िए, केवल एक यूट्यूबर का वीडियो देखना स्टार्ट करिए और एक यूट्यूबर की बात मानना स्टार्ट करिए। अपने चैनल पर जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको सुधारना स्टार्ट करिए। इस प्रकार दोस्तों, आप न केवल अपना समय बचा पाएंगे बल्कि आप एक अच्छा और बड़ा यूट्यूबर भी बन पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको अपने चैनल से रिलेटेड, आप इस वीडियो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर यदि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम टेक धमाली है, साइड में शो हो रहा है। दोस्तों, इनका कॉन्टैक्ट भी मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिला था। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।